माता जी साइड हो, इधर आओ। मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी एमपीजी कॉलेज का निरीक्षण कर कॉलेज की समस्याओं को जाना। कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनील पवार ने बताया कि कॉलेज में कई महत्वपूर्ण विषयों की कमी है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को देहरादून व अन्य जगहों पर पढ़ने जाना पड़ता है, जिससे छात्र छात्राओं को भारी परेशानी हो रही है। वहीं कॉलेज में खेल कूद के लिए जगह उपलब्ध नहीं है, ऐसे में कॉलेज में इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग की गई है। वहीं कॉलेज में 12 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिनकी नियुक्ति की मांग की गई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि जल्द कॉलेज की समस्याओं को दूर करते हुए कॉलेज में शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज में रोजगार परक विषयों को शामिल करने के लिए जल्द उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बैठक करेंगे। कॉलेज के लोगों को आश्वस्त किया है कि आप यहाँ पर व्यावसायिक कोर्स होने चाहिए। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि आप मुझे लिख के दीजिएगा। दूसरा, उन्होंने एक डिमांड की है कि यहाँ पर पिछली बार हमने 80 लाख रुपए दिया था और उन्होंने कहा कि साहब हमें और पैसा दीजिएगा कि ताकि हम इसमें लिंटर डाल सकें। तो मैंने कहा आप लिख के दीजिएगा, हम बातचीत बात करेंगे और जो संभव होगा इस कॉलेज के उत्थान के लिए, संवर्धन के लिए वो किया जाए। मसूरी से न्यूज़ स्टूडियो के लिए सुनील सोनकर की रिपोर्ट।